चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 2 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ रुपए की 250 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और इसके बाद प्रदेश में रोजगार के 3 लाख के करीब अवसर पैदा होने का दावा सरकार की ओर से किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 से खुलेंगे रोजगार के रास्ते। यूपी में 65,000 करोड़ का होगा निवेश। 250 प्लस परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 के लिए योगी सरकार को बधाई दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई सेरेमनी में 65,000 करोड़ के निवेश की 250 से ज्यादा परियोजनाओं की नींव रखी गई, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 35% से ज्यादा MOU को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार को बधाई भी दी। जी की सरकार गई 2004 में, जब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11th प्लेस पर था, 11वें नंबर पर था। जीएसटी को नीचे नहीं ले जा पाए, सब मानते थे, मगर आज मैं आनंद और गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक इतने बड़े देश के अंदर जीएसटी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मोदी जी ने हमने हमारे विजन डॉक्यूमेंट में रखा था कि 40 नए अस्पताल, 40 नई मेडिकल कॉलेज, जिसमें 17 के 17 डिपार्टमेंट है हेल्थ के, वो हम बनाएंगे। 40 मेडिकल कॉलेज, सब हंसते थे, जर्नलिस्ट भी हंसते। जब मैंने उद्घोषणा करी, मैं बताना चाहता हूँ, आज 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम हमने कर दिया है और 15 पाइपलाइन बनाने का है, जो इंडस्ट्री के निवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा करेगा। उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था, और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ, वो निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उचित ही था और योगी जी ने उसको उचित ठहराया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 2 में आए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष निर्यात में अब तक की सबसे अधिक 28% की बढ़ोतरी हासिल की है और अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 2 के बाद प्रदेश में 3 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख लोग नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में वे जो निवेश उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की, लोगों को प्राप्त हुआ, हमारी टीम को प्राप्त हुआ। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्ष में देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है, और आज 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है। यह हम सबका इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणादायी नेतृत्व तो है ही, लेकिन समय समय पर जब भी कहीं पर हमें लगता था कि कोई बाधा होगी, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति होगी, तो हमेशा आदरणीय अमित शाह जी इस बात को कहते थे कि घबराने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बना सकता है, अगर उसके बारे में सही और तथ्यपरक जानकारी लेनी है तो मुझे लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसके एक आदर्श उदाहरण हम सबके सामने हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। पिछली सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
60,000 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी थी। इस बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 में अडानी, मेदांता, पेप्सिको इंडिया, टोरंट ग्रुप और लुलू इंटरनेशनल ग्रुप के प्रमुख समेत कई देशी विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।